हर व्यक्ति के जीवन एक कल्पना होती है कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरे परिवारजनों का जीवन ऐसा होना चाहिए, समाज का जीवन ऐसा होना चाहिए, पूरे दुनिया की जो आबादी है उसका जीवन ऐसा होना चाहिए। तो ये जो कल्पना है ना, उसको वो साकार कब होती है? जब व्यक्ति सत्व में हो। तमस में मन बिल्कुल अस्थिर होता है, रजस में थोड़ा स्थिर होता है, सत्व में बिल्कुल स्थिर होता है और तुरीय अवस्था में सिर्फ स्थिरता होती है। तो ये जो शब्द है ना संकल्प, वो सत्व प्लस कल्पना से निकला है कि जब जीवन में सत्व हो और हमारी जो कल्पना है चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो सहज ही पूरी हो जाती है। तो गुरुजन जब जब भी अवतरण करते हैं संसार में वो सत्व बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए गीता में कहा है कि जो सत्व बढ़ाता है उसके सब संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। उससे भी एक बेहतरीन परिस्थिति है कि सब कुछ हो जाए और उसके बाद हमारे मन में संकल्प उठे, अर्थात वो व्यक्ति इंट्यूटिव जीवन जीता है। अर्थात गुरु कहो, परमात्मा कहो, वैश्विक इंटेलिजेंस कहो, उसने सब कुछ करके रखा है, उसके बाद उसको इच्छा देते हैं। वो ऐसा व्यक्ति वो होता है जो दिन में दो बार तुरीय अवस्था को अनुभव करता है। तुरीय अवस्था मतलब पूर्ण स्थिरता, अपने भीतर भी स्थिरता, आसपास के वातावरण में भी स्थिरता। तो ये जो अपना ये जो सीरीज है एंशियंट टेक्निक, एंशियंट मिस्टिकल टेक्निक्स टू चेंज अवर लाइफ, टू ट्रांसफॉर्म लाइफ, तो अपने वेदों में यही सब है। और गुरुजन आते ही हैं, गुरुदेव आए हैं पूरे संसार में ऐसी प्रक्रियाएं सिखाने से जिससे हमारे सत्व में वृद्धि हो, आहार में शुद्धि हो और सभी मनोकामना पूरी हो। और सबसे जो अपनी जो निज हमारा जो संकल्प है जो हर व्यक्ति नहीं पहचान सकता है वो है परमात्मा को मिलना, परमात्मा में विलीन होना, वो भी सहज ऐसे ही पूरा हो जाता है अगर दिन में दो बार वो तुरीय अवस्था को अनुभव करें। और ये बहुत सा और ये गुरुजी ने जितनी भी प्रक्रियाएं दी हैं इंक्लूडिंग श्रावण महीने के रुद्राभिषेक प्लस नवरात्रि की पूजा, गणेश, ये सब उसी के लिए है कि मानव जीवन हंसते हंसते खुशी खुशी स्वस्थ स्वस्थ जीवन निर्वाह करे। वो तनावग्रस्त डिप्रेस, आजकल इतना डिप्रेशन बढ़ गया, जैसे गुरुदेव जी बता रहे थे कि लॉकडाउन के बाद 8 लाख लोगों ने आत्महत्या की है। ये क्यों की है? क्योंकि मन संभलता ही नहीं है। अगर उन्होंने पहले सीख लिया होता तो ये नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे जीवन में इतनी मस्ती है, अरे दिन में दो बार तुरीय अवस्था हासिल कर लो, इतनी जीवन में मस्ती है, पल पल रोमांच है, पल पल मिस्टिकल लाइफ है, हर पल मिस्टिकल हो जाता है, हर पल में पराकाष्ठा का अनुभव रहता है। हाँ, लेकिन करना पड़ेगा, थोड़ा उसके लिए थोड़ा कमिटमेंट लाना पड़ेगा।